अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जो है आज जो मैं आपके साथ व्लॉग अपना जो शेयर कर रही हूँ वो हैदराबाद की सूरत हाल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मुसलसल 48 घंटों से वहाँ पर बारिश का एक सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कोई निकासी नहीं है। और जो कल मैं बार बार ये देख रही हूँ फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, तो इतना ज़्यादा मेरा दिल जो है गमगीन है कि अल्लाह पाक रहम करें, जो जामशोरों का जो ब्रिज है, ठीक है, जो हैदराबाद और जामशोरों को कनेक्ट करता है, वो क्रैक है और जो दरिया का लेवल है पानी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है सितार से। तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त बारिशों से, और कराची और हैदराबाद के लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि मुसलसल 48 घंटों से बारिशों ने इस वक्त जो सुबह सिंध का हाल किया है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो सब लोगों से दुआओं की अपील है कि दुआएं करें, अल्लाह पाक रहम करें, क्योंकि अब इससे ज़्यादा बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा ज़हमत का बायस बन चुकी है ऑलरेडी। मैं क्या कहूँ कि बनेगी नहीं, बन चुकी है, क्योंकि जो अभी महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों का सिलसिला बताया है जो जारी रहेगा सितंबर तक। तो अल्लाह पाक रहम करें, अल्लाह पाक और बारिशें ना हो। 3 दिन मुसलसल बारिश से जब ये हाल है तो सोचें अगर और 3 दिन बारिशें हुई तो क्या हालात हो जाएंगे। दैट्स मीन कि फिर सैलाब आ जाएगा, पूरा शहर डूब जाएगा, ख़ासकर कराची और हैदराबाद जो है वो बहुत ज़्यादा रेड अलर्ट बता दी गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, और वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं खुद बाहर गई तो जब मैंने सूरत हाल देखी, सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ है और कोई जो है वो निकासी नहीं है, और जो ब्रिज है वो डैमेज है और पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है, लेकिन वहाँ पर ट्रांसपोर्ट जा रही है तो वो बहुत ज़्यादा खतरे का बायस है। अभी जो सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ चल रही है, जो एक गाड़ी डूब गई है, 7 अफराद उसमें शामिल थे, जिसमें से एक बच्चे की लाश मिली है, बाकी जो 6 हैं उनका कुछ पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं, बह गए हैं पानी में। तो अल्लाह पाक सबकी जानों की हिफाजत फरमाए, क्योंकि बारिशों से बहुत तबाहकारी हो चुकी है, जानी माली लोगों के घर बह गए हैं बहुत सारे, और घरों में पानी आ गया है, दुकानों में पानी आ गया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो सब दुआएं करें इस वक्त, क्योंकि मज़ीद बारिशें ना हों। ऑलरेडी इतनी बारिश हो चुकी हैं, पुल डैमेज हैं, हमारे निकासी नहीं है पानी की, और जो हुकूमत को कोई होश नहीं है। ये लोग अभी भी, इनको अपनी सियासत की पड़ी हुई है कि किसने जो है वो आना है भाई, वोट मांगने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन इस ये जब इस तरह की सूरत हाल होती है कोई आपको नज़र नहीं आता। तो खुदारा जब बारिशें हों उसके बाद जो है थोड़ी सी शहर पर तवज्जो दे दी जाए, तो जब दोबारा बारिश हो ना तो ये हालात ना हों सूबे के। कराची इतना बड़ा शहर है जहाँ पर जो है वो तिजारत बहुत ज़्यादा होती है, तो पूरी मुल्क की इकोनॉमी डैमेज होती है जिसकी वजह से। तो अल्लाह पाक रहम करें, ये बारिशें ख़त्म हो ताकि और सब लोग वहाँ पर सुख का सांस लें। तो सबसे दुआओं की अपील है इस वक्त, बहुत ज़्यादा जो है वो दिल गमगीन भी है, परेशान भी है कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, सैलाब का ख़तरा है, और जो ज़्यादा बारिश हुई, अभी भी बारिश हो रही है, अगर बारिशें ना रुकें तो फिर सैलाब का तो ख़तरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लेवल जो है वो पानी का बहुत ज़्यादा जो है रिवर इंडस में बढ़ चुका है। तो अल्लाह पाक रहम करें, रहमत की बारिशें करें। बारिशें जो हैं वो अब अगर ज़्यादा हुई, इससे ज़्यादा बारिश हुई, तो वो ज़हमत का बायस जो है वो बन सकती है, बल्कि बन चुकी है, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है। अल्लाह पाक रहम करें और रहम की बारिशें करें। तो सबसे दुआओं की अपील है, और हुकूमत को थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए इस वक्त। जो तवज्जो देनी है ना वो कराची और सिंध के जो है वो हाल पर है, बहुत बुरे हाल में इस वक्त शहरी हैं। तो खुदारा जो है वो थोड़े से होश के नाखून लें, और आवाम को भी चाहिए कि अपने लिए आवाज़ उठाएं खुद, ताकि अब इन बारिशों के बाद कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए निकासी का पानी की, कि दोबारा बारिशें आने से सूबे को या शहरों को इतना नुकसान ना पहुंचे। तो शेयर करती हूँ मैं आपके साथ कुछ क्लिप्स और कुछ अपना जो है जो मैं गई बारिश में बाहर, क्योंकि जाना पड़ता है, इंसान की ज़रूरियात हैं, तो कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है शहरियों को, और ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, चले जाकर देखते हैं। तो ये है हमारी ठंडी सड़क का हाल, आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और पानी जो है सड़क पर जमा हुआ हुआ है। तो अब देखते ही देखते जब जितनी बारिश होती जाएगी ना, पानी जो है वो सड़कों पे भरता जाएगा, और ये ठंडी सड़क वाला एरिया स्टेट बैंक जो है ये इतना फुल हो जाएगा हैदर चौक, तो फिर आप कहीं नहीं आ जा सकते, आपका आना जाना बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते,
देखते ही देखते ये सड़क पूरी पानी से भर जाती है। तो हम पहुंच चुके हैं ओल्ड कैंपस हैदर चौक पर। तो यहाँ पर मुझे काम था, मैं आई थी, तो यहाँ पर अब ज़रा जो है ना वो हम अपने अबू का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा आगे काम से गए थे, तो उन्होंने कहा था पिक करना, हम का वेट कर रहे थे। तो मैंने ये कुछ जो है क्लिप्स जो है अपने पास महफूज कर लिए ताकि आपको दिखा सकूँ बारिश कितनी खूबसूरत लगती है। लेकिन खूबसूरत तब होती है जब हमारे इलाके में पानी का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो बहुत अच्छा हो। क्योंकि अब यहाँ पर जितनी मुसलसल बारिश हो रही है ना, तो ये इतना भर जाता है पानी कि फिर जो है सारी इन्जॉयमेंट ख़त्म हो जाती है। और ये वो ब्रिज है जिसका जिक्र मैं कर रही थी, जो डैमेज हो गया है, पानी का लेवल बढ़ गया रिवर इंडस में जामशोरो और हैदराबाद को, ये ब्रिज जो है कनेक्ट करता है। और कितनी बुरी हालत में इस वक्त ये मौजूद है और ट्रांसपोर्ट जा रही है, तो ये बहुत ख़तरनाक है। अब हम वापस घर की तरफ जा रहे थे, तो ये यहाँ से हम ठंडी सड़क से गुजर रहे थे, देखें तो पानी जमा होना शुरू हो चुका है। और जब हम घर पहुँचे उसके बाद जो न्यूज़ स्टार्ट हुई है कि पानी भर चुका है, आप बाहर मत जाएं, तो पानी इतना ज़्यादा भरने के बाद फिर जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो ये हाल होता है हमारे शहर का बारिशों से। जी, तो देखा आपने इस वक्त शहर के जो हालात हैं बहुत बुरे हैं, और जो है वो पानी निकालने के बावजूद भी जब बारिश होती है तो वापस पानी इतना ही भर जाता है। तो अल्लाह पाक बारिशें जो है वो बस अब बंद हो जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा बारिशें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो बहुत ज़्यादा दुखी दिल के साथ आज ये वीडियो बनाई है, क्योंकि अभी जो मैं देख रही हूँ कि किस तरह से लोग जो है वो हादसा का शिकार हो रहे हैं पानी में बहने की वजह से, क्योंकि सड़कों पर इतना पानी है और पानी का सतह इतना बढ़ चुका है, तो जिसकी वजह से मतलब देखकर बहुत ज़्यादा दिल गमगीन हो जाता है। अल्लाह पाक रहम करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोशिश करें कि बगैर जो है किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर मत जाएं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है सड़कों पर। और अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो ना ड्राइव करें जहाँ पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, जहाँ पानी का प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ सैलाब आने का खतरा है। तो खुदा वहाँ ना जाएँ, अवॉइड करें कुछ टाइम के लिए, और जब तक बारिशें बंद नहीं हो जाती। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।